अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने सोचा क्यों ना कोई आइसक्रीम हो जाए। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं जामशेरी की आइसक्रीम। ये बहुत ही मज़ेदार है। इसके लिए हमने 600 ml मिल्क दूध लिया है। ये 6 कप के करीब दूध होगा। इसको बॉयल आने देना है। दूध में जब ऑयल आ जाए तो आंच हल्की कर देनी है। चमचा हिलाते रहना है। 10 से 12 मिनट तक इसको पकाना है दूध को। फिर इसके अंदर 1 कप शुगर डाल देनी है, चीनी डाल देनी है। चीनी को अच्छी तरह अंदर हल होने देना है। अब हमने जामशेरी डाला है। जामशेरी आधा कप हमने जामशेरी का डाला है। बॉयल आने तक इसको पकाना है। 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। चूल्हे को ऑफ कर दिया है मैंने और इसको अब हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। ये मैंने क्रीम ली है, 2 कप क्रीम के लिए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने नीचे बर्फ़ बाउल में डालकर बर्फ़ और फिर ऊपर ये कोला क्रीम वाला रख कर तो बीट किया है। इसको मशीन से बीट करेंगे अच्छी तरह। इतना बीट करना है कि डबल हो जाए क्रीम। जब दूध वाला मिक्सर ठंडा हो जाए तो इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। मिक्स कर लें। अब इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है, छाननी में छान लेना अच्छी तरह। कोई लम्स नहीं रहने देना। मैंने आइसक्रीम बॉक्स इस्तेमाल किए हैं। ये हर घर में मौजूद होते हैं। कंटेनर वगैरह कोई आप बाउल भी ले सकते हैं। बंद एयर टाइट बॉक्स होना चाहिए। इसको हमने 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। फिर 6 घंटे बाद दोबारा निकाल के बीट करना है। बीट करके दोबारा हमने अगेन 6 घंटे के लिए रख देना है फ्रिज में। फिर निकाल के दोबारा बीट करेंगे हम इसको और प्लास्टिक कवर से रैप करके 8 घंटे के लिए या सारी रात के लिए फ्रिज में रखना है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू रेसिपी जल्द